हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो यार, बहुत से लोगों का मेरे लिए मैसेज आ रहा था कि यार पिथौरागढ़ में TA भर्ती चल रही है और वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं भर्ती के लिए काफ़ी बच्चे। तो उनका मेरे लिए मैसेज आया था कि यार हमको लोकेशन मिल नहीं पा रही है, दिक्कत हो रही है जाने में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो लोकेशन और आप लोगों को लेके चलता हूँ कहाँ से कहाँ जाएंगे और पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। तो आप लोग ऐसे बने रहिए साथ में। ये है पिथौरागढ़ का रोडवेज बस स्टेशन और आप लोगों को यहाँ पे आना है और टैक्सी स्टैंड भी, जो टैक्सी के माध्यम से आते हैं वो भी यहीं पे आएंगे, इसी चौराहे पे आएंगे, यहीं पे उतरेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से आप कहाँ को जाना है, लोकेशन आगे की कहाँ की है। तो आप लोग ऐसे बने रहिए साथ में। इसे दो रोड कटती हैं, एक नीचे को जाती है, एक ऊपर को। तो आपने ऊपर को सिलधाम की ओर आना है। ज़्यादा नहीं है सिलधाम, यहाँ से 500 मीटर ऊपर है बस स्टॉप से ऊपर को सिलधाम। तो आप लोगों को सिलधाम में आना है और सिलधाम से आप लोगों को वहाँ के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। चलते हैं ऊपर को, सिलधाम दिखाता हूँ। तो यार ये है सिलधाम तिराया। तो आप लोगों को स्ट्रेट ना जाके राइट साइड को आना है, नीचे की ओर, डाउन की ओर। और यहाँ से 50 मीटर आगे ही है जहाँ से आपको वहाँ के लिए गाड़ी मिलेंगी। तो आपको सीधे दिखाता हूँ वहीं से। बस स्टॉप से 500 मीटर ऊपर सिलधाम पड़ता है, तो आप लोगों ने वहाँ से सिलधाम के लिए आना है। और सिलधाम से 50 मीटर नीचे पे वहाँ के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं जाजर देवल के लिए। तो आप लोगों ने जाजर देवल वाली गाड़ी में बैठना है और वही छोड़ देंगे आपको जाजर देवल ITBP के पास। तो दिखाता हूँ आपको बस यहाँ का जो टैक्सी स्टैंड है, फिर उसके बाद चलते हैं आगे को। तो ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड, देख सकते हैं अभी गाड़ी एक दो ही आ रही हैं, इसके बाद तो कई गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से, और हमने जाना है यहाँ से आगे को। तो ये है जाजर देवल का मेन स्टेशन टैक्सी स्टैंड, और यहीं से जाजर देवल के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। और जाजर देवल ITBP जहाँ भर्ती हो रही है ITBP से ऊपर पे, तो ये वही स्टैंड है, यहीं से मिलेंगी आप लोगों को गाड़ियाँ। तो आप लोग जिनको ऊपर नहीं मिल रही है वो यहाँ से बैठ के भी आ सकते हैं। तो यार मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में भर्ती है, जहाँ से ऊपर को जाते हैं। यहाँ पे आर्मी वाले लगे हैं, ऊपर को जाने नहीं देंगे। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप लोगों को उतरना है जो पिथौरागढ़ में से बैठेंगे सिलधाम से, उन लोगों को उतरना है ITBP गेट से थोड़ा सा पहले। कोई भी गाड़ी वाला, किसी भी गाड़ी वाले से बोलोगे कि हमको वहाँ पर जाना है जहाँ भर्ती चल रही है, तो वो लोग आप लोग को वैसे ही उतार देंगे, उन सबको पता रहता है। और ये है वो लोकेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये है वो लोकेशन, पहले जो ऊपर को जा रही है रोड, ये जाती है वहाँ को जहाँ भर्ती हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टॉल भी लगा हुआ है चाय पानी के लिए। और फिर ऊपर को है भर्ती, ऊपर जाना है, लड़के बैठे भी हैं देख सकते हैं आप लोग, जगह जगह में स्टॉल लगे हुए हैं। देखो ये सब भर्ती वाले बच्चे हैं। तो इन लोगों से मिलते हैं यार, दिखाते हैं आप लोगों को फिर बाकी। यहाँ छत्तीसगढ़ से जो भाई लोग आए हुए हैं वो मिले हैं मुझे। तो कैसे हैं भाई लोग आप? सब बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। तो भैया आपका नाम क्या है? डोमन कुमार। क्या? डोमन कुमार। डोमन कुमार, तो आप यहाँ भर्ती के लिए आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, रनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, दिक्कत आ रही है। तो टाइमिंग कितनी देर है?
टाइमिंग तो यहाँ प्रॉपर दे रहे हैं 5:45 5:45 तक जितने बंदे अंदर है वो सभी पास है रनिंग में। अच्छा, तो जिनका आज हो गया उनका अगले दिन मेडिकल होगा? हाँ, नेक्स्ट मेडिकल। अच्छा, हाथ में बैंड लगा रहे हैं, नेक्स्ट दिन तुरंत मेडिकल है। इसके बाद आप लोगों के बाद किसकी है यहाँ भर्ती? यहाँ बिहार वालों की। बिहार वालों की 17-18 को बिहार। अच्छा, फिर यूपी वालों की भी है ना? यूपी वाले को उसके बाद। अच्छा, तो फिर उत्तराखंड वालों की? उसके बाद उत्तराखंड। फिर झारखंड? झारखंड लास्ट। अच्छा, लास्ट। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों का कैसा रहा फिर आज का यहाँ का? अभी हो गई रेस? हो गई अभी कुछ बैच बचा है। सुबह कितने बजे से स्टार्ट कर रहे हैं? सुबह 5 बजे से, और कई बंदे तो 5 बजे के पहले भी आ गए थे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ कहाँ रुक रहे हैं? अभी तो यहाँ रेंट में रूम वगैरह लिए थे। अच्छा, होटल पे? मार्केट में या यहीं पास में? हाँ, यही जिसको जिसको जहाँ जहाँ मिल रहे ना, जो लंबे में है, दूर में है, वो लोग गाड़ी से आ जा रहे हैं बुकिंग करके। तो यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम यहाँ ठंडा बहुत है। जो आने वाले बंदे हैं उन लोग को बोलना चाहूँगा कि ठंड का सामान जैसे चादर वगैरह प्रॉपर लेकर आए यहाँ अपने से हेल्थ। क्योंकि आप लोगों के वहाँ तो गर्म ऐसा इतना अभी भी? हमारे तरफ नॉर्मल रहता है, इतना नहीं रहता। अच्छा, अभी तक पहाड़ी इलाका है ना इसलिए। अभी तो भैया वैसे मैं बताऊं तो आपको ये ठंडी की शुरुआत है, थोड़ी दिनों बाद बर्फ भी पड़ जाती है ना यहाँ, तो अभी और ठंड पड़े जैसे जैसे होते रहेंगे ठंड बढ़ते रहेगी। भैया कितने का बैच दौड़ा रहे हैं? 50 बंदों का बैच है, और उसमें जो 5:45 तक जितने बंदे जा रहे हैं वो लोग फर्स्ट बैच में बोल रहे हैं कि ना यहाँ एक्सीलेंट में 15 बंदे और गुड में भी 15 बंदे, मतलब 25 बंदे ले लिए। अच्छा, टाइमिंग तो फुल मिल रहा है। अच्छा, तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभय कुमार साहू। अच्छा, तो आज पहली बार आए हैं आप पिथौरागढ़? जी, पहली बार आए। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, इधर का नज़ारा बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग तराई क्षेत्र से? तराई क्षेत्र से? हाँ, तराई क्षेत्र से। अच्छा, तो अच्छा, पहाड़ में आके आज पहली बार आए हैं? बहुत बढ़िया लगे इधर आके। तो भाई बता रहे हैं यहाँ पे ये जो भर्ती है ओपन भर्ती है, 18 से 42 साल के लोग आ सकते हैं। अच्छा, इसमें पहले भरना नहीं पड़ता क्या? हाँ, नहीं लगता इसमें ऊपर रैली है। अच्छा, कोई भी आ सकते हैं इधर, स्टेट वाइज है। हाँ। सबको अलग 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 डेट दिया है। हाँ। कोई भी आ सकते हैं 18 से 42 साल। पिथौरागढ़ की हुई नहीं है, जो पिथौरागढ़ का जाना चाहता है ये ओपन भर्ती है, अपने डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं वहाँ पे। एंट्री में खाली आधार कार्ड ले रहे। एज 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 का क्या है? 18 से 30 साल के अंदर आता है। हाँ। उन लोगों का मतलब टाइमिंग दे रहे 5:45। अच्छा, और जो 30 से ऊपर है ना। हाँ। उन लोगों का 6+ टाइमिंग दे रहे हैं। 6+ बीम में भी एक बीम माफ है, उसमें 9 बीम एक्सीलेंट। अच्छा, तो 42 ईयर तक जा सकते हैं? हाँ, 42 साल तक जा सकते हैं। अच्छा, उनको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है? उसको टाइम भी ज्यादा मिल रहा है, छूट दे रहे हैं। अच्छा, तो भैया जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ। तो फर्स्ट में आप लोगों को ऊपर जैसे जाएंगे ऊपर फील्ड में। हाँ। तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं? खाली आधार कार्ड लग रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फर्स्ट में आधार कार्ड लेके जाना है? हाँ, आधार कार्ड लेके। तो उसकी फोटो कॉपी या ओरिजिनल? ओरिजिनल। अच्छा, फिर उसको दिखाना है वहाँ पे? उसको दिखाना है, वापिस रख लेते हैं। अच्छा, तो उसको दिखा के आपको फिर वो बिठा देंगे? बिठा देंगे। फिर आपकी रनिंग करवाएंगे स्टार्ट? हाँ, नहीं, लाइन से लेते जाएंगे। हाँ। फिर उसमें ग्रुप बनाएंगे 50-50 का। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें मतलब बारी बारी से बेच लेते जाएंगे, एक एक बेच, दो दो बेच कर। अच्छा अच्छा, तो मतलब फर्स्ट में आधार कार्ड ही दिखाना है, फिर उसके बाद रनिंग करवा देंगे? हाँ। बाकी डॉक्यूमेंट का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नहीं लेके भी जाओगे फिर भी टाइम लेगा डॉक्यूमेंट। अच्छा। हाँ। तब तो बढ़िया है। अभी खाली आधार कार्ड बस लेना, आईडी प्रूफ भी। हाँ। बस। तो हमें हमारा जो एक भाई मिला है वो भी यूट्यूबर है, वो भी अपने जो चैनल है उसमें कॉमेडी का बनाता है, लेकिन वो अपने वहाँ की लैंग्वेज में बनाते हैं। तो ये है भैया, आपके चैनल का क्या नाम है? बारना बॉयस। क्या है? बारना बॉयस। हाँ, तो देख लीजिए और भाई को भी सब्सक्राइब करिए। तो आप लोगों की हो गई अभी रेस न्यू ये, या कल दौड़ेंगे आप? कल दौड़ेंगे। अच्छा, तो आज क्यों नहीं दौड़े आप लोग? क्या है कि कल 12-1 बजे पे
आसपास रात में आए तो हम लोग का तबीयत सही नहीं लगा और ठंड भी बहुत लग रहा था। अच्छा, तो सोचे कि रेस्ट कर लेते हैं और कल जाएंगे। तो मतलब थोड़ा कल सफ़र की वजह से आज नहीं दौड़े? हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़र किए, पहाड़ी इलाके से आए तो बस में भी तबीयत बहुत डाउन हो गया। अच्छा अच्छा, तो आपके साथ वाले ऊपर गए हैं अभी दौड़ने या आप ही लोग हैं? तीन आप लोग? हम लोग पांच बंदे आए थे और अच्छा। हमारे दो साथी ऊपर गए हैं और मेसेज किए हैं कि रनिंग निकल गए। अच्छा अच्छा, निकल के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जो जिनकी आज रनिंग हुई है उनका ये आज मेडिकल भी हो जाएगा क्या? हाँ, मेडिकल हो जाएगा रात को। अच्छा अच्छा, तो फिर वो फ्री हो जाएंगे? हाँ, फ्री हो जाएंगे, रात को 7-8 बजे बाहर आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, दबा के फाड़ देना, ऑल द बेस्ट ब्रो। तो भैया आप लोगों को यहाँ आने में और रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आने में दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन रहने में जिस दिन आया उस दिन 12 बज गया था। हाँ, तो हम लोग यही बाहर में सो गए थे। अच्छा। और सुबह हमारे दो साथी रनिंग के लिए चले गए और हम लोग इधर रेंट में रूम ढूंढ रहे थे तो 500 किराए में मिला है आपको? अच्छा, तो कमरा कैसा है? ठीक है, कमरा ठीक है और हम लोग तो तीन बंदे हैं अभी। हाँ। हमारे दोनों साथी आएंगे तो वो लोग भी रुकेंगे। अच्छा, तो आप लोग यहाँ 12 बजे पहुँचे रात को? हाँ, तो उसमें कोई व्यवस्था मिली नहीं कि आपको ऐसे रूम वूम मिले? नहीं, अब सब सो गए थे तो किसके यहाँ जाके पूछेंगे कि किराए में रूम मिलेगा क्या करके। अच्छा। हाँ। तो सब सो गए थे? सब सो गए। तो आप उसके बाद कहाँ रहे? बाहर में सो गए। ऐसे बाहर में सो गए थे? हाँ। अच्छा, तो वो जो आपके दो फ्रेंड है वो वहीं से उठ के रनिंग के लिए चले गए थे? वहीं से उठ के रनिंग के लिए चले गए। अच्छा, और हम लोग का तबीयत सही नहीं लगा था, हम लोग इधर आए। अच्छा, तो अब आप कल दौड़ेंगे? कल दौड़ेंगे, कल भर्ती मारेंगे। अच्छा, तो बता रहे हैं ये ओपन भर्ती है, खाली आधार कार्ड दिखा के रनिंग? आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट। अच्छा, वो भी दिखाना पड़ रहा है? प्रमाण पत्र। अच्छा, ये तीन चीज? हाँ, तीन चीज। क्या बोलते हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र? स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अच्छा, तीन चीज दिखा के फिर रनिंग करने दे रहे हैं? अच्छा, फिर अंदर जाओगे रनिंग होगा, जो रनिंग पास हाइट वगैरह नापेंगे और पता नहीं हमको उतना तो हम। अच्छा, अंदर वहाँ से आने के बाद हम भी बताएंगे। अच्छा, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रो, थैंक यू। तो आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं, छोटा सा ठेला खोला है भाई लोगों ने और इसमें आप लोगों को अंडे भी मिलेंगे और बहुत चीज़ बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो बिरयानी बनाई हुई है, सुबह जो भाई लोग आएंगे नाश्ते के लिए जिनने खाया नहीं होगा, सारी व्यवस्था बनाई हुई है भाई लोगों ने यहाँ। तो एक यहाँ पे भी है स्टॉल, चलते हैं अब यार। तो देख सकते हैं ये भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इतने लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं भाई लोग। और बाकी ग्राउंड यहाँ से ऊपर को है, ग्राउंड की अभी वहाँ रनिंग चल रही है तो ऊपर बनाने नहीं देंगे वीडियो, तो मैं आप लोगों को हल्की सी क्लिप डाल दूंगा तो आप लोग वो भी देखना। तो ऊपर को जाता हूँ मैं, ऊपर को दिखाता हूँ आप लोगों को अब सीधे ग्राउंड। तो ये है रास्ता, तो देख सकते हैं जो मेन रोड है वहाँ गाड़ी पहुँची है, यहाँ से ऊपर को आना है आप लोगों ने। तो जाजर देवल ITBP के पास पिथौरागढ़ से आई है आप लोग और यहाँ से ऊपर को है पूरा। प्लीज।
तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत हेल्प कर रहे हैं हम लोग का। और कियान भैया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बस जय हिंद, वंदे मातरम। तो यार भाई लोगों से हो गई है मुलाकात और आप लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया है। और आप लोग बताएं आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय हिंद। अच्छा लगा मिलके भाई से। थैंक यू ब्रो।